दोस्तों, मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। फ्रेंड, आज आपको इस वीडियो में वीडियो कॉन का एलईडी टीवी ठीक करना सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, ये जो अपनी स्क्रीन पर आप एलईडी टीवी देख रहे हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल डेड है, और जब हम इसको पावर कोर्ड में लगा रहे हैं तो स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि इस तरीके के एलईडी टीवी को किस तरीके से दूर किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, इसको ओपन करेंगे। देखिए फ्रेंड, इसको हमने ओपन कर लिया है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये इसकी पावर सप्लाई लगी हुई है। तो सबसे पहले, जैसे कि ये बिल्कुल डेड है, तो सबसे पहले इसकी पावर सप्लाई चेक करेंगे। तो इसकी पावर सप्लाई सबसे पहले हम फिल्टर कैपेसिटर है, इस पे वोल्टेज को चेक करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि पीछे के जितने भी कॉम्पोनेंट हैं वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो देखिए, वायर 220 वोल्टेज यहाँ पर आ रही है। उसके बाद ऐसे होते हुए फिल्टर कैपेसिटर पर और वोल्टेज हमें मिल जाएगी, तो पीछे के सभी कंपोनेंट हमारे ठीक होंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम मल्टीमीटर की सहायता से फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज को चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, 281 वोल्टेज फिल्टर कैपेसिटर मल्टीमीटर शो कर रहा है। इससे हमें पता चल गया कि पीछे का सर्किट हमारा बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक वोल्टेज सही आ रही है। ये जो ये वाला सर्किट है हमारा, यहाँ से इस बेल्ट के थ्रू वोल्टेज 12 वोल्टेज 5 वोल्टेज ये जनरेट करेगा और यहाँ से मदरबोर्ड में चल जाएगी। तो हम ये देखें कि यहाँ पर ये जो वोल्टेज 5 वोल्ट और 12 वोल्ट जनरेट हो रही है नहीं हो रही है, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड, वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रही है, तो इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। इसके लिए फ्रेंड, अब इसको ओपन करेंगे यहाँ से। देखिए फ्रेंड, ये इसकी पावर सप्लाई है जो हमने सर्किट से बाहर निकाल ली है। इसमें देखिए दो सेक्शन है, नीचे वाला सेक्शन है, ये पावर सप्लाई है, इससे इसका इन्वर्टर कार्ड कंट्रोल होता है। और जो ये वाला सेक्शन है पावर सप्लाई का, ये इसके एलईडी टीवी के अंदर जाता है, इससे इसका पैनल वर्क करता है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पावर सप्लाई को चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए इस मॉस्फेट को चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वोल्टेज को ट्रिगर को कर रहा है जो इसकी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जा रही है। तो सबसे पहले इस मॉस्फेट को चेक करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड, हम यहाँ पर 280 वोल्टेज मेजर करेंगे। तो 285 वोल्टेज आ रही है और यही वोल्टेज इसके कलेक्टर पर चली जाएंगी। 285 वोल्टेज ये हमारी ठीक है। अब एमीटर पर और बेस पर हमें मिली वोल्टेज चेक करनी है। इसको 20 मिली वोल्टेज पे चेक कर देंगे मल्टीमीटर को, और बेस पर देखिए हल्का सा ट्रिगर हो रहा है। बेस के ऊपर हल्की सी पल्स आ रही है जो ठीक आ रही है बिल्कुल। और ये अब एमीटर पर चेक करेंगे, एमीटर पर 0.22 के आ रही है। तो ये रेजिस्टेंस हमारी ओपन हो रखी है और ये पूरी तरह से अर्थ नहीं हो रखा है। ये एमीटर यहाँ पर आया देखिए रेजिस्टेंस पर, और ये रेजिस्टेंस 1.1R5 की लगी हुई है, मतलब कि ये चार रेजिस्टेंस, देखिए ये चार रजिस्टर लगी हुई है और रजिस्टर पैरेलल में लगी हुई है, और इनका रेजिस्टेंस जो है वो 0.375 है। तो ये रेजिस्टेंस हमारी ओपन हो रखी है। देखिए, हम इसकी बीप चेक करेंगे। अब कॉन्टिन्यूटी मेजर कर रहे हैं, ये देखिए अर्थ लाइन से देखेंगे, ये देखिए बीप की आवाज आ रही है। ये देखिए अर्थ लाइन से कनेक्ट हो रखी है ये, और देखिए, और दूसरा सिरा एमीटर से कनेक्ट होना चाहिए, ये एमीटर से कनेक्ट हो रखा है। और जब इसको आपस में करेंगे, देखिए आपस में इनकी कोई कंटिन्यूटी नहीं है, तो इसका मतलब ये चार रेजिस्टेंस हमारी खराब है। तो इन सब की जगह हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर टेस्टिंग के लिए 1
वन ओम की या 0.5 ओम की रेजिस्टेंस इसके अंदर लगा सकते हैं। देखिए हमारे पास ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है, तो हम ये इसके अंदर लगा रहे हैं और इसको चेक करते हैं। ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद अब हमारा सेट चालू हो गया है। तो ये आपको दिखाने के लिए कि हमारी वोल्टेज कहाँ कहाँ पर आएगी, ये जो आउटपुट में ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इनके पॉइंट पर 5 वोल्ट और 14 वोल्टेज के करीब आएगी, जो कि ट्रिगर होने के बाद यहाँ पर मिलेगी और बैकलाइट ऑन सिग्नल यहाँ पर आएगा कार्ड में लगने के बाद। तो फिलहाल चेकिंग के लिए हम यहाँ पर वोल्टेज को चेक करेंगे। सेट को हमने ऑन कर दिया है, मेन में लगा दिया है। ये देखिए फ्रेंड 14 वोल्ट भी आ रही है और 2.2 वोल्टेज भी आ रही है, जो कि पहले नहीं आ रही थी हमारी।